भारी बारिश के कारण कुल्लू जिला में भारी तबाही मची है। बारिश के कारण जगह जगह बादल फटने से नदी नालों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बजौरा के साथ लगती पहाड़ियों में बादल फटने से बजौरा खड्ड में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से भीडी बाई के पास बना आदर्श गौसदन पूरी तरह से तबाह हो गया है। इसके अलावा भुंतर के खोखन नाले में भी भारी मलबा आने से 100 से अधिक दुकानें और करीब 4 दर्जन मकानों में पानी और मलबा घुस गया। भारी बारिश के कारण कुल्लू जिला में भारी तबाही हुई है। भुंतर के खोखन नाले में भारी मलबा आने से 100 से अधिक दुकानों और करीब 4 दर्जन मकानों में पानी और मलबा घुस गया, जबकि 8 वाहनों को भी मलबे से नुकसान हुआ है। उधर मणिकर्ण घाटी के कटागला के पास बाढ़ आने से 2 मकान और कैंपिंग साइट तबाह हो गई। यहां आईटीबीपी दमकल और रेस्क्यू दल ने 3 विदेशियों को सुरक्षित निकाला और कुछ ग्रामीणों को भी सुरक्षित कसोल रेस्ट हाउस तक पहुंचा दिया। जबकि जरी मलाना मार्ग में एडिट 2 के पास भूस्खलन होने के कारण करीब 100 मीटर सड़क पूरी तरह से तबाह हो गई है। भुंतर शहर में खोखन नाले के आसपास अवैध कब्जा होने के कारण निकासी न होने से पानी सड़क पर नाले के रूप में बहने लगा, जिससे सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ और भुंतर शहर में सैकड़ों दुकानों में बाढ़ का मलबा घुसने से दुकानों और घरों को भारी नुकसान हुआ है। भुंतर के खोखन नाले पर लोगों ने अवैध कब्जा किया है, जिससे बाढ़ का पानी सड़क पर बहने से स्थानीय दुकानदारों के घरों में मलबा घुसने से सामान पूरी तरह से खराब हो गया। सुबह 7 बजे के करीब सर यहाँ पर आवाज़ें सुनाई दी और जैसे मिट्टी आई, बड़े ज़ोर से आवाज़ें हुई और जो है बाहर पानी और लकड़ी साथ में चल रहे थे, तो लोगों के मकानों में पानी घुसा हुआ है और कई गाड़ियाँ जो है बह चुकी हो रहे पर खोखन नाला जो करीबन 7 बजे के करीब आया हुआ है और इससे जो है सड़कों पर पानी आ गया और चलने फिरने वाले राहगीरों को बहुत नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है और जो लोगों के मकानों में पानी घुस चुका है। सुबह 6:30 बजे के करीब ये नाला आया है और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है यहाँ पे और गाड़ियाँ बह चुकी है, बाइकें थी वो बह चुकी है, सड़कें ख़राब हो गई है और दुकानों में सबके पानी गया है और बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो नाले में जितने भी नाले थे, जहाँ नाले की जगह थी, वहाँ नाले की जगह में लोगों ने मकान बना दिए या दुकानें बना दी है, उस कारण नाले के लिए जो पानी है, पानी को रिसने के लिए कोई जगह नहीं है, तो ये हर जगह दुकानों में घुसा है। पूरे भुंतर बाजार में ये पानी है, हर जगह पे पानी है। आया तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो बड़े स्तर पर हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन 20-22 साल के बाद ये खोखा नाला आया है और यातायात यहाँ पे प्रभावित हुआ है। सड़कें पानी 7:30 बजे के करीब आई, पानी बारिश हुआ, उससे पानी का वो हुआ, बरसात के वजह से गड़बड़ हुआ और जाने में कोई नुकसान नहीं हुआ और 1-2 बाइक वगैरह रूढ़ी इसमें लगता पानी में और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये प्रभावित हुआ और नाली वगैरह ना PW की नाली बनती तो ऐसा स्थिति ना होता बारिश वगैरह की वजह से। आगे के हाँ दिखते तो हो रही है, अब क्या करें, जिसका आया और लोगों के पैर चलने वाले को मुश्किल हो रही है और स्कूल के बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं उन्हें भी बहुत मुश्किल हो रही है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू भुंतर से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।